हेलो दोस्तों, मैं हूं सफन राज और आपका राज ग्राफिक के सामने स्वागत। जैसा कंटिन्यू आपको इंडिजाइन में टेबल के बारे में बता रहा था, उसी नेक्स्ट आपको बताने जा रहा हूं इंडिजाइन हम टेबल की सेटअप कैसे करते हैं, टेबल की जो सेटिंग होती है वो कैसे होती है। टेबल सेटिंग की आज मैं फर्स्ट क्लास बता रहा हूँ, एक एक करके आपको नेक्स्ट बताऊंगा, क्योंकि टेबल सेटअप की बहुत बड़ी लंबी चौड़ी क्लास होती है। जैसे मैं आपको फर्स्ट बता रहा हूँ आपकी टेबल की सेटअप कैसे करें। चलिए आपको शुरू करता हूँ, बताता हूँ। उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे एक टेबल बना रखा है जी, ठीक है। यहाँ देखिए मैंने क्या किया, 1 2 3 4 कॉलम ले रखे हैं, बाकी यहाँ पे मैंने कुछ रोज ले रखे हैं, डमी रोज आपको दिखाने के लिए, इस तरह देख सकते हैं। जैसा कि पहले भी आपको मैंने बता रखा, हम टेबल जो बनाते हैं कैसे बनाते हैं वो तो आप सीख ही गए होंगे। आज मैं आपको फर्स्ट क्लास बता रहा हूँ टेबल की सेटअप कैसे करते हैं, क्योंकि हर चीज़ की एक सेटिंग होती है, तब कैसे करते हैं आप देखिए। वो आपको सेटिंग करने के लिए क्या है, जो आप टेबल है, टेबल में आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ टाइप टूल ले लेंगे, उस पर आप क्लिक कर दें, कहीं भी आप क्लिक कर दें, उससे आपकी क्या है टेबल सेटअप एक्टिव होगी। उसके बाद क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, टेबल में जाना है, आपको नीचे जाकर टेबल ऑप्शन में जाना है, और यहाँ के आपको आना है टेबल सेटअप, जिसकी शॉर्टकट होती है ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट बी। ये अगर आगे पीछे दबाते तो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट बी दबाए या ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट बी, बात एक ही है, क्योंकि आपकी की तीनों एक साथ ही दबनी चाहिए। यहाँ दबाया टेबल सेटअप आपकी एक्टिव हो जाएगी। तो टेबल सेटअप में आपकी फर्स्ट रो है टेबल सेटअप, ये आपको आज बताऊंगा मैं, फिर एक एक करके आपको आगे की रो बताऊंगा, जैसे रो स्ट्रोक, कॉलम स्ट्रोक, फिल्स, हेडर, फुटर, इसके अलावा भी बहुत कुछ है जो आपको बताऊंगा। जो आज का टॉपिक है हमारा टेबल सेटअप, इसके बारे में बता रहा हूँ, तो इस चीज़ को आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर हमने आपको बताया, यहाँ पे ना 1 2 3 4 कॉलम रखे हैं, बाकी हमने मल्टीपल रोज ले रखे हैं यहाँ पे। तो आपको पता ही होगा जो हमारे वर्टिकल होते हैं हमारे क्या होते हैं कॉलम होते हैं, जो हॉरिजॉन्टल होते हैं लेफ्ट टू राइट हमारे रोज होते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान से देखिए, चलिए आगे बताता हूँ। अभी टेबल सेटअप के अंदर हमारा स्टार्ट क्या होता है, ऊपर से सबसे पहले टेबल डायमेंशन, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या है आपका टेबल डायमेंशन। अब इसमें क्या बोल रहा है, पहला बॉडी रोज, यहाँ कितने 27, अभी जो हमने यहाँ बॉडी रोज ले रखे हैं यहाँ पे 27 ले रखे हैं। नीचे हम एक चले आपको दिखाता हूँ, अभी हमने क्या किया आपको समझाने के लिए, एक तो हेडर ले लिया है पहला जो नेम लिखा है, बाकी ए से स्टार्ट करके मैंने जेड तक लेते, ए से जेड हमारे कितने हो जाते हैं 26, और एक हमारे ये 27 हो गया, इसलिए आपको समझाने के लिए ले रखा है। दोबारा चलते हैं टेबल में जाते हैं, टेबल ऑप्शन में जाते हैं, टेबल सेटअप में जाते हैं, तो हमारा क्या हो गया हमें बॉडी रो 27 हो गया, और कॉलम्स हमारे कितने हैं यहाँ पे देखिए 4 है, तो 1 2 3 4 जो हमने पहले से ले रखा है। तो आप चाहे तो यहाँ से इसको आप चेंज कर सकते हैं, आप यहाँ से चेंज करके आपको कुछ भी देखना तो यहाँ पे प्रीव्यू बटन को क्लिक कर दे, इससे क्या आप यहाँ जो भी चेंजेस करेंगे आपको वहाँ पर दिखते जाएगी। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमने क्या है बॉडी रो 27 ले रखा, आप यहाँ से क्या 30 32 34 कम ज़्यादा जो भी आप यहाँ से कर सकते हैं, तो आपकी यहाँ पर ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। जैसे यहाँ कॉलम 4 है, जिसको यहाँ पे 5 करूँगा, देखिए यहाँ पे आपके कॉलम बढ़ गए, और कम करूँगा तो यहाँ से आपके कम हो जाएंगे, लेकिन ये क्या है ऑलरेडी मैं यहाँ से फिल कर रखा हूँ, तो कम करेंगे तो मैसेज आएगा यू आर अबाउट टू डिलीट कॉलम फ्रॉम योर टेबल, डू यू वॉन्ट टू कंटिन्यू। मतलब आपने जो इसके टेबल बना रखे हैं कॉलम उसमें डिलीट कर सकते, कि हो सकता क्योंकि आप मैंने यहाँ पर डेटा डाल रखा है, तो आपकी मर्जी है ओके करना नहीं करना, ओके कर देंगे डेटा के साथ ही डिलीट हो जाएगा, तभी मैं कैंसिल कर रहा हूँ। इस चीज़ को ध्यान लीजिए, यहाँ से आप क्या है यहाँ कॉलम जो भी आपके रोज को बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं, कॉलम को ही बैठा कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आपको यहाँ पे आता है हेडर रो, इससे पहले वाले क्लास आपको बताया था मैंने, हर टेबल की क्या है एक हेडर रो होनी चाहिए, एक फुटर रो होनी चाहिए। हेडर रो क्या होती है, सबसे ऊपर होती है जिसमें उसका क्या हेडर होता है, जैसे हमने कुछ डिटेल लिख रहे हैं तो उसका क्या नेम हो गया, क्लास, सेक्शन, रोल नंबर, कुछ भी हो सकता है, जो ये तो मैंने आपको डमी बताया है, आप जो भी टेबल लेंगे उसकी एक हेडिंग हो, उसके अंदर उसकी डिटेल आएगी। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा जब भी आप टेबल बनाते हो उसकी एक हेडर रो बना लें। अब हेडर रो क्या कितनी है, एक एक रखते हैं, जैसे एक रखा तो पहली आपकी क्या है हेडर रो हो गई। तो यहाँ से जो हेडर रो नहीं बना के मैं आपको सजेस्ट किया था, डायरेक्ट आप क्या करें वहीं से हेडर रो को बना लें, तो इससे क्या होगा, अभी हमने हेडलाइन पहले से बना ली तो आप इसने क्या किया टेबल ने एक अलग से हेडर रो कर दिया, तो इस चीज़ से बचने के लिए आप क्या करेंगे, मैं यहाँ से कैंसिल करता हूँ, आप इसी पर क्या करें जो जैसे पहले पहले रो पे क्लिक करें और यहाँ पे लेफ्ट साइड में माउस को लाएं, जैसे लाएंगे यहाँ पर आपकी माउस का एरो बनेगी, क्लिक करें ये एक्टिव हो जाएगा ऊपर रो, उस पर राइट क्लिक करें और इसको करें कन्वर्ट टू हेडर रो, तो ऑटोमेटिक क्या है हेडर रो में कन्वर्ट हो गई। अब इसको जितने बार पेज अलग अलग पेजों में ले जाएंगे तो आपकी हेडर रो क्या है फिक्स रहेगी, आपके नीचे की रो बढ़ते जाएगी, जैसे आपको मैंने पहले वाले वीडियो में बता रखा है, आप वहाँ से डिटेल में आप देख सकते हैं हम हेडर रो फुटर रो कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए आपको यहाँ ले जाता हूँ, अभी मैंने इसको क्या हेडर रो में कन्वर्ट कर दिया, हम चलते टेबल, अब चलते टेबल ऑप्शन, टेबल सेटअप। अब देखिए हमने क्या किया, यहाँ से इसको हेडर रो में कन्वर्ट कर दिया, तो इससे क्या हो गया हमारा ऑटोमेटिक यहाँ से क्या हो गया आपका हेडर रो एक एक्टिव हो गया। अगर हमने हुआ क्या, अगर हम शुरू में हेडर टेबल नहीं बनाते हैं, ब्लैंक रखते हैं, तब यहाँ से आप कन्वर्ट कर ले तो वो आपके लिए बेटर है, लेकिन आपने टेबल पहले बना लिया है तो आप मैं सजेस्ट करूँगा आप वहीं जाके आप यहाँ से इसको हेडर रो में कन्वर्ट करें। और आप फुटर रो की बात, तो आप अगर टेबल नहीं मतलब स्टार्टिंग से कर रहे हैं अब यहाँ से आप फुटर रो ले सकते हैं। नीचे जो फुटर रो क्या होता है, जैसे आपको पहले ही बताया मैंने, जो नीचे वाली रो होती है सबसे नीचे वाली,
उसको हम कभी कभी क्या है टोटल रख लेते हैं ना, कभी कभी हम करते हैं टोटल या कुछ भी आपको लिखना होता है 1 2 3, अभी मैं नहीं बताता हूँ। और हम चाहते हैं इसको क्या करें, हम फुटर रो बना दे, इस पर हमने क्या किया क्लिक किया, माउस को लेफ्ट ले जाएंगे और क्लिक करेंगे एक्टिव हो जाएगी, राइट क्लिक करेंगे और कन्वर्ट टू फुटर रो कर देंगे। इससे क्या होगा, आपको हर बार जितनी बार आप क्या करेंगे नया टेबल को क्या है नेक्स्ट में ले जाएंगे, सेकेंड पेज थर्ड पेज है, मान लो डेटा होती है ना आपकी काफ़ी सारी डेटा होती है तो आपको सेकेंड पेज में फ्लो करती है, तो उससे क्या होता है आपका ये नेक्स्ट पेज में ऑटोमेटिक आपका क्या होगा हेडर और फुटर जो है जो टॉप वाला पार्ट और बॉटम वाला पार्ट ये आपका फिक्स हो जाएगा। और आपको बस ये जो बनाते हैं आप, मान लो कि ये हमने क्या किया टेबल बढ़ा रहे हैं, ठीक है आपको दिखाता हूँ, इसमें क्लिक किया और टैब दबा के रखते गया, टैब दबाते गया ये आपकी चलते जाएगी, ठीक है चलते गई। अब आपका क्या हुआ, ये देखिए आपका पेज ख़त्म हो गया, आप तो टेबल फुल हो गया, आप टेबल चाहिए नेक्स्ट पेज में, हम उसके लिए क्या करते हैं एक पेज और लेना पड़ता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं विंडो में गए और यहाँ पेज लिया और यहाँ सब एक पेज लेके प्लस कर दिया, ठीक है। अब चलिए हमारा क्या हो गया, यहाँ दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे जैसे हमारा पेज फुल हो गया, अगर ज़्यादा हो जाती है तो क्या होता है यहाँ प्लस बन, यहाँ पर देखिए रेड बन जाता है, आप इस रेड पर क्लिक कीजिए, ठीक है जो इसकी बची हुई डेटा है आपके साथ ही कॉपी हो जाएगी माउस पॉइंटर के साथ, आप इसको क्या करें न्यू पेज पर ले जाके आप क्लिक कर दें, तो आप देखिए क्या हुई आपकी, यहाँ पर जितनी बार और भी आप टैब दबाते जाइए तो आपका क्या हो गया ये हेडर सेक्शन आपका फिक्स हो गया, फुटर भी फिक्स हो गया, बस आपको क्या है बीच वाले डेटा को आपको क्या है फिल करना है। इसलिए हम क्या बनाते हैं हेडर रो बनाते हैं और फुटर रो बनाते हैं, जैसे कि आप बार बार हेडर रो और फुटर को हर पेज में आपको नहीं डालना पड़े, वो आपका फिक्स हो जाता है। ये तो हो गया हेडर फुटर की बात। अब चलिए दोबारा टेबल सेटअप में चलते हैं, टेबल में गए, टेबल ऑप्शन में गए, टेबल सेटअप में गए, तो इस चीज़ को आप समझ गए होंगे, अगर आपने पहले से टेबल बना रखी है तो आप हेडर फुटर को वहीं पे क्लिक करके आप कहीं कन्वर्ट कर ले हेडर रो फुटर रो में। अगर आपने स्टार्टिंग की ही अपने डेटा में क्या है अपने टेबल में कुछ भी नहीं डाला है ब्लैंक रखा है तब आप क्या करें यहाँ से भी आप हेडर रो फुटर रो को कन्वर्ट कर सकते हैं, दोनों में एक एक रो एक इसमें एक रो इसमें डाल दें एक रो फुटर में डाल दें, आपकी क्या ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगी, जो काम आपने यहाँ से किया है वो काम आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ऊपर वाले चीज़ आप समझ गए होंगे टेबल डायमेंशन को, बॉडी रो आपको चाहे तो वहाँ से भी रख सकते हैं और कॉलम यहाँ से भी रख सकते हैं, ये चीज़ आप क्या है दोनों जगह से आप कर सकते हैं। अब सर नेक्स्ट बात करते हैं टेबल बॉर्डर की, इस चीज़ को देखिए ध्यान से देखिए, ये चीज़ आपकी समझने के लिए है, अब मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ तो आप ज़्यादा बेटर समझेंगे, ठीक है इस चीज़ को मैं आप थोड़ा सा यहाँ जूम कर लेता हूँ और ये मैं W प्रेस करके इसको प्रीव्यू मोड ऑन कर देता हूँ जबकि इससे आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगी। अभी देखिए क्या है यहाँ पे सारे सेल की एक बॉर्डर दे रखी है, देख रहे हैं सबकी एक ब्लैक कलर की बॉर्डर है, सब में इक्वल बॉर्डर है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक कहीं भी क्लिक कर दिए, अब चलते हैं हम टेबल टेबल ऑप्शन टेबल सेटअप में, इसको मैं थोड़ा सा साइड करके रखता हूँ। अब इस चीज़ यहाँ भी ध्यान दीजिए और यहाँ भी देखिए आप, हम टेबल बॉर्डर की बात कर रहे हैं तो अभी क्या है टेबल की बॉर्डर देखिए इक्वल है सब में, तो अब इसकी थिकनेस 1 है, इसको मैं बढ़ाता हूँ 2 किया 3 किया, जितना बढ़ाएंगे टेबल की चारों तरफ की जो बॉर्डर होगी उसकी लाइन ये कम ज़्यादा होते जाएगी, देख रहे हैं यहाँ पे मैंने इसका 5 PT किया टेबल की चारों तरफ की थी 5 PT हो गई, जितना कम करेंगे यहाँ पे होती जाएगी, ये बॉर्डर होती है चारों तरफ की बॉर्डर। अब इसके कलर इसका जो चारों तरफ कलर है आपको जो भी रखना है यहाँ से आप रख सकते हैं, देखिए रेड किया रेड हो गया, आपको जो भी कलर रखना है यहाँ से आप इजीली रख सकते हैं। अब यहाँ बॉर्डर का टाइप, जो हमने बॉर्डर यूज़ किया जैसे आप स्ट्रोक में पहले भी जान चुके हैं यहाँ बहुत सारे टाइप होते हैं, आपको जो रखना है रख लीजिए, यहाँ डॉटेड रखना है सॉलिड रखना है थिक रखना है जिस तरह के यहाँ पे आप रख सकते हैं, ये देखिए रख लिया हमने। अब मान लो हमने यहाँ से क्या किया, हमने कोई भी मान लो हमने यहाँ से रख लिया सब कुछ डॉटेड रख लिया, डॉटेड तो इस तरह की आएगी आपकी। अब डॉटेड में होता क्या है, दो डॉट के बीच में एक गैप होता है, ये देख रहे हैं दो डॉट के बीच में एक गैप है आपका, हर दो डॉट के बीच गैप है, तो आप चाहे तो उसका भी कलर चेंज कर सकते हैं आप, जैसे यहाँ पे गैप कलर देख रहे हैं इसके बीच का आपको जो भी रखना है आप मान लें रेड, तो देखिए क्या हो गया ये रेड हो गया, दोनों बीच के दो डॉट के बीच का कलर आपको जो भी रखना है आप इजीली रख सकते हैं, येलो रखना है येलो रख सकते हैं, आपकी जो मर्जी आप यहाँ पे रख सकते हैं वहाँ पे आप इजीली आप रख सकते हैं, या फिर डॉट का कलर चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है डेकोरेटिव बनाने के लिए आप चेंज कर सकते हैं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान से समझना होगा, इस तरह की चीज़ें होती क्या है आपको कहीं अच्छी सी आपको मान लो कोई टेबल बनानी है बॉर्डर बनानी है उस चीज़ में इसका आप यूज कर सकते हैं, अगर सॉलिड रखनी है तो आप यहाँ से सॉलिड कर लें सॉलिड हो जाएगी, अगर आप चाहते हैं डॉटेड रखना डॉटेड रखें, बाकी इसके अलावा इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, देखिए इस तरह से आपकी बॉर्डर बनेगी ये, और जिस तरह आप जिस भी चीज़ में आपका बीच का गैप होगा उस चीज़ में आपका ये गैप कलर यहाँ से एक्टिव हो जाएगा और आप बीच के गैप का भी कलर यहाँ से आप फिल कर सकते हैं। ये तो डॉटेड, अब मैं चलिए दोबारा सॉलिड पर आता हूँ, सॉलिड पर आने के बाद हमारा क्या है यहाँ पर जो कलर होता है
अब जैसे इंडिजाइन में, इंडिजाइन एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें होता है क्या, जो हम जो भी कलर यूज करते हैं उस कलर का एक परसेंटेज होता है, ठीक है। वन होता तो जीरो से, जीरो में मतलब कलर गायब हो जाता, कुछ नहीं, तो होता क्या वन से लेके 100 के बीच में, तो कलर की जो फ्लो होती है, तो उसकी जो होती है लाइटनेस या डार्कनेस जो बोले, वो 1 से लेके 100 तक होती है। इसको जितना ज़्यादा हम करेंगे, 100 में क्या है पूरा कलर सॉलिड दिखेगा, और अगर इसको हम 0 कर दें तो ये देखिए आपका गायब हो गया। तो इस चीज़ को दोबारा देखिए, अब दोबारा आता हूँ टेबल में, आता हूँ टेबल ऑप्शन, टेबल सेटअप। अभी मैंने इसको 0 किया, इसको मैं 50% कर दूँ, ठीक है। देखिए क्या लाइट हो गई, इसको हम 10% किए, देखिए बहुत ज़्यादा लाइट हो गई। तो आपकी मर्जी है, इस कलर का फ्लो जितना ज़्यादा यहाँ परसेंटेज टिंट डालेंगे आपकी कलर उतनी ज़्यादा लाइट डार्क होगी, ट्रांसपेरेंट नहीं होगी ये, लाइट और डार्क होगी। तो 1 से लेकर के 100 के बीच में, 0 में तो गायब ही हो जाएगा, और 100 किया तो देखिए हमारे क्या फुल हो गई। तो आप इस टिंट को समझ गए होंगे। उसके बगल में यहाँ ओवर प्रिंट आता है, वो जो ओवर प्रिंट होता है ये क्या होता है, हमारा प्रिंट के लिए यूज होता है। तो ओवर प्रिंट में होता है कि हम जो भी किसी भी कलर को हम यहाँ ओवर प्रिंट कर देंगे तो वो कलर हमारा क्या होता है अलग से प्रिंट होता है, ऊपर की तरफ से प्रिंट होता है, होगा तो CMYK में अलग से होगा, जो पीछे का एरिया क्या है उसको इरेज नहीं करेगा। तो ये जो ओवर प्रिंट वाली चीज़ है आपको अलग से एक क्लास में समझाऊंगा, जो डिटेल में आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि जो ओवर प्रिंट एक अलग से क्लास है जिसमें कि आपको समझाऊंगा ओवर प्रिंट होती क्या है, क्यों करते हैं। तो यहाँ तक आपकी ये चीज़ समझ गए होंगे, टेबल बॉर्डर की चीज़। आप तो इस चीज़ को प्रैक्टिस करके यहाँ से देखें, आप जितनी ज़्यादा इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे आप उतनी अच्छी समझ में आएगी। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नीचे आ रखा है टेबल स्पेसिंग। अब जो टेबल स्पेसिंग होती है ये क्या होती है, हमारी टेबल की जो होती है टेबल के पहले और टेबल के बाद में हमें कितना स्पेस रखना है, वो होता क्या, हम जब भी कुछ हम टेबल बनाते हैं वो क्या करते हैं, हम किसी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर बनाते हैं, ठीक है। चलो उस चीज़ को आपको समझाता हूँ, सिर्फ टेबल के साथ आपको समझ नहीं आएगी, तो उसके लिए क्या करता हूँ मैं, इस टेबल को मैं अभी डिलीट मारता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स लिया, क्योंकि इंडिजाइन में क्या जो भी हम करते हैं वो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आती है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कुछ डमी टेक्स्ट डाल देता हूँ, ठीक है। मैं कुछ लिख देता हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और इसको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ आपको सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है, क्योंकि मुझे आपको समझाना है टेबल के बीच स्पेसिंग कैसे होती है। और इसके बीच में मैं क्या करता हूँ, अभी मैं इसको इस एरिया को कॉपी कर लेता हूँ, सिर्फ डमी है आपको दिखाने के लिए टेक्स्ट के बीच में टेबल कैसे आती है। और यहाँ मैं क्या करता हूँ, टेबल में जाके इंसर्ट टेबल करता हूँ, और यहाँ पे मैंने क्या किया, रोज मैं सपोज ले लेता हूँ 10 रो ले लिया, 4 कॉलम ले लिया, और ओके कर दिया। तो चलिए हमारे क्या है टेक्स्ट के बीच में नीचे हमारा क्या हो गया, ये टेबल आ गया। और हम चाहते क्या है, जो टेक्स्ट के नीचे टेबल आया इस टेबल के नीचे भी हमारा टेक्स्ट आ जाए। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, एक बार क्या है डाउन एरो दबाएंगे, तो हमारा क्या जो हमारा कर्सर देखिए नीचे आ जाएगा, और हमने कॉपी किया टेक्स्ट उसको नीचे पेस्ट कर लिया। तो हमारा देखिए अब क्या है, हमारा आप टेक्स्ट बॉक्स को खिसकाइए, देखिए आपका क्या है टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आपका क्या आ गया, ये टेक्स्ट भी आ गया, टेबल भी आ गया, नीचे भी टेक्स्ट आ गया। तब यही चीज़ समझाने के लिए आपको जब हम मैंने यहाँ पे कुछ लिया है, अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने टेबल के अंदर क्लिक किया, अब हम जाते टेबल में जाते हैं, टेबल ऑप्शन में जाते हैं और टेबल सेटअप में जाते हैं। अब यहाँ जो आपको ये समझाना था टेबल स्पेसिंग, इसीलिए मैंने ये चीज़ किया तो जिससे आप समझ पाएँ, क्योंकि सिर्फ टेबल के अंदर वो नहीं होगी, होती क्या है हमारा टेबल के पहले जो टेक्स्ट है और टेबल के बाद जो टेक्स्ट है उसके लिए होती है। अब यहाँ देखिए क्या है स्पेस बिफोर, अब ये स्पेस बिफोर क्या आती है, मतलब टेबल टेबल के बिफोर कितना स्पेस होना चाहिए। तो यहाँ से हम देखिए बढ़ाते हैं, देखिए अब जैसे बढ़ाएंगे देखिए टेबल के पहले स्पेस ये बढ़ेगी, जितना बढ़ाते जाएं देखिए बढ़ते जाएगी, और जितना कम करेंगे टेबल क्या टेक्स्ट से चिपकते जाएगा। इस चीज़ को ध्यान से देखिए, ये आपको बहुत काम आने वाला अगर आप इंडिजाइन में काम करेंगे। और ये स्पेस आफ्टर, मतलब टेबल के आफ्टर मतलब बाद में, अब देखिए जितना बढ़ाएंगे हमारे टेबल के बाद स्पेस बढ़ते जाएगा ये देखिए, और जितना कम करेंगे हमारा क्या टेक्स्ट टेबल के पास में आ जाएगा। तो यही चीज़ है आपको, इसके ऊपर आपको टेबल के बिफोर चाहिए कितना स्पेस, यहाँ से कम ज़्यादा करके देख लें आप, और टेबल के आफ्टर आपको जितना स्पेस चाहिए कम ज़्यादा करके देख लें। इस तरह से आप क्या है टेबल की सेटिंग कर सकते हैं इजीली आप, क्योंकि हम जो इस इंडिया में बनाते हैं अलग अलग ब्रेक करके कुछ भी नहीं बनाते, एक ही टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आप मल्टीपल पेज बना सकते हैं। आप 100 पेज की डॉक्यूमेंट बनाए तो एक ही टेबल के अंदर आप क्या है टेक्स्ट ले सकते हैं, टेबल ले सकते हैं, एलिमेंट कुछ भी, इमेज ले सकते हैं, सब कुछ ले सकते हैं। जैसे जैसे आपका ये मेरा क्लास आगे बढ़ते जाएगा मैं आपको इसे साथ साथ बताते जाऊंगा एक ही टेबल का नाम कैसे करेंगे, इसलिए मैंने टेबल का जो क्लास है थोड़ा लंबा रखा हुआ, एक एक करके मैंने क्या करूँ सब कुछ समझाऊंगा जो टेबल के अंदर आपकी मैक्सिमम चीज़ें आ जाएगी। तो आप यहाँ पर देख लिया ये आ गया आपका ऊपर का समझ लिया, टेबल डायमेंशन हम क्या कर सकते हैं, बॉर्डर कैसे यूज़ कर सकते हैं, टेबल की स्पेसिंग कैसे यूज़ कर सकते हैं, और नीचे आपका स्ट्रोक ड्राइंग ऑर्डर तो यहाँ पर दे रखा है आपका रो स्ट्रोक्स इन फ्रंट, कॉलम स्ट्रोक्स इन फ्रंट, इंडियन ये कंपेबिलिटी
ये चीज़ आपकी अभी नहीं, ये आपकी बताऊंगा, ये वाले चीज़ जो एक्स्ट्रा ड्राइंग वाले आप एडवांस क्लास में, जब ये टेबल क्लास एडवांस लेवल पर चलाएगा वहाँ बताऊंगा। अभी जो आपकी मेन चीज़ ये तीनों चीज़ थी, ये तीनों चीज़ों पर आप क्या थोड़ी प्रैक्टिस करें, इससे क्या आपको टेबल सेटअप के बारे में काफ़ी नॉलेज हो जाएगा, और जब टेबल सेटअप की नॉलेज हो जाएगी इजिली आप धीरे धीरे क्या डिजाइनिंग करना भी स्टार्ट कर सकते हैं। इससे क्या इजिली आप नॉर्मल क्या है छोटी बुक तो आराम से स्टार्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं, या जितना मैंने अभी तक बता रखा है। चलिए नेक्स्ट क्लास आपको बताऊंगा मैं रो स्ट्रोक के बारे में, जो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं यहाँ एक्टिव नहीं है, वो एक्टिव कैसे होती वो भी आपको बताऊंगा मैं। तो मेन आज का क्लास था हमारा टेबल सेटअप के बारे में। मुझे उम्मीद है जितना मैंने आपको बताया हुआ टेबल सेटअप के बारे में आपकी बहुत सारी डाउट क्लियर हो गई होगी। अगर आपको आज का क्लास हमारा अच्छा लगा प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।